नमस्कार, स्वागत है आपका तृप्ताज रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गिलकी या तुरई जो भी बोलें उसकी सब्ज़ी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गिलकी ले लिया है, 3 प्याज लिए हैं। प्याज इसमें ज़्यादा डलती है इसलिए मैंने 3 छोटे प्याज ले लिए हैं जिनको छिल लिया है मैंने। अब हम गिलकी को छिल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हम सारे गिलकियों के छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे गिलकियों का मैंने छिलका निकाल लिया और इनको धो लिया है अच्छे से। अब इनको हम काट लेंगे। जब आप गिलकी की सब्ज़ी बनाएं, ध्यान रखिए ये इस तरह की होनी चाहिए जो कि थोड़ी नरम होती है, अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं होगा, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अदरवाइज़ इसमें अगर बड़ी बड़ी अगर सीड्स हों, बीज हों, तो वो अच्छे से नहीं गलता और सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह की ही गिलकी हमें लेनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये सारी गिलकी को मैंने कट कर लिया है। अब हम हमारे प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइस कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्याज भी हमारे हो चुके हैं। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और सब्जी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच राई डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता। अब जाएंगे हमारे इसमें प्याज। फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक। बाकी का नमक हम जब गिलकी डालेंगे और वो जब गल जाएगी उसके बाद हम अंदाज़ के हिसाब से डालेंगे, अभी से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम और फ्राई कर लेते हैं। ये सब्जी को आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 मिनट और पकाने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है। वैसे तो गिलकी का भी टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, अगर आप डालना चाहें तो ना डालें या ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे अगर ये डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है सब्जी का। अब हम इसमें हमारी गिलकी को डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे।
सब्जी को मैंने अच्छे से चला लिया। अब इसको ढक के हम शुरुआत में 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद देखते हैं हमें और कितने पकाने की ज़रूरत है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब खोल के देख लेते हैं। ये देखिए गिलकी से पानी छूटने लगा है, पर ये अभी पकी नहीं है। अब इसको हम 10 मिनट और ढक के पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम और लो के बीच में ही रखा हुआ है, इसको हमें पूरी तरह से पकाना है। तो फिर से ढक लेते हैं और 10 मिनट और इसको हम पका लेते हैं। छः मिनट और हो चुके हैं, अब इसको खोल के देख लेते हैं। काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा, जितनी क्वांटिटी है हमने नमक पहले कम ही डाला था, थोड़ा नमक और डाल लेंगे क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये नहीं गलेगा। बस इसका पानी थोड़ा सा सुखाएंगे हम और हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो गई। थोड़ा सा फ्लेम मैं मीडियम कर रही हूँ, अभी तक हमने लो फ्लेम पे ही इसको पकाया है। अब मैं मीडियम कर रही हूँ ताकि ये जो पानी है एक्स्ट्रा वो थोड़ा इसका जल्दी से सूख जाए। सब्जी हमारी पूरी तरह से गल चुकी है, गिलकी हमने अच्छी वाली ली थी, यूज़ की थी सब्जी बनाने के लिए, इसलिए इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और ये पानी जो है ये बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, थोड़ा सा रहने देना है, बहुत ड्राई ड्राई भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने इसका पानी सुखा दिया है, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर लूँगी। ये पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ट्राई करके देखिए। इतनी सिंपल रेसिपी है ना, बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो ये हमारी गिलकी और तुरई की सब्ज़ी रेडी हो गई। आप चाहें तो इसको हरी धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं, बिना उसके भी ये अच्छी लगेगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।